अभी सर सरकार की नाकामी कहें या फिर स्वास्थ्य अधिकारियों की मनमानी, जनहितैषी होने का दम भरने वाली खट्टर सरकार के राज में गरीबों को कर्ज पर पैसा लेकर इलाज कराना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में कथित मिली भगत के चलते कमीशन के चक्कर में अधिकांश मरीजों को मौत का भय दिखाकर रेफर कर दिया जाता है। दरअसल बात कर रहे रेवाड़ी के स्मानी अस्पताल की, जहां गांव ढाणी सुंदरोज निवासी राजेश गत 6 अप्रैल को अपनी 19 वर्षीय पत्नी वंदना को डिलीवरी कराने के लिए लेकर आया था। डॉक्टरों ने जांच करके सब कुछ सामान्य बताकर उसे वापस भेज दिया। उसी रात तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजन उसे अस्पताल फिर से वापस लेके आए तो डॉक्टरों ने बच्चे की धड़कन चले जाने की बात कहकर रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। बच्चे की मौत ना हो इस डर के मारे परिजनों ने उसे रोहतक ले जाने की बजाय रेवाड़ी के ही निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां महिला की स्मानी डिलीवरी हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिजन महिला को फिर से स्मानी अस्पताल लेकर पहुंचे। इसे लेकर परिजनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन इलाज न मिलने पर मजबूरन उन्हें 25,000 रुपए कर्ज लेकर निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। जब इस बारे में स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जिले में सिर्फ एक ही प्रसूता विशेषज्ञ है जो कि हर वक्त पूरे जिले में नहीं पहुंच सकती, वही अस्पताल में भी वेंटिलेटर भी नहीं है। इस बारे में सरकार को सूचित किया हुआ है कि जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती वे कुछ नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। सुबह आई थी तब ऐसे बोल रहे कि सही है बच्चा धड़कन सही है। जब शाम को जाए रात को तो ऐसे बोला कि बच्चा खत्म है का धड़कन नहीं है इसमें। जब बहुत ज्यादा घबरा गई थी इसलिए फिर यहाँ से नॉल रोहतक ले जाओ, तो हम वहाँ प्राइवेट में ले गए थे तो वहाँ उन्होंने ऑपरेशन कराता है वो ठीक है, ये गलत है। नानी सुन रोज इन्होंने कहा बच्चा में धड़कन बिल्कुल बहुत कम है, आप रोहतक लेके जाओ। अच्छा, तो रोहतक हम लेकर नहीं गए, अब भाई हम रोहतक नहीं लेके जाएंगे, अगर ला हम तो हम प्राइवेट यहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम तो देखो शिवद्या के लिए तो यहाँ आए और यहाँ ही हमने ये करा। दिन में मैं लेके आई तो इन्हें कुछ नहीं बताया, बोल बच्चा बिल्कुल सही है, रात को लेके आई तो बोल धड़कन बिल्कुल कम है, बच्चा नहीं बच सकता। ठीक है, तो हम प्राइवेट लेके गए, गाँव बच्चा ने जन्म दे दिया, गाँव बढ़िया बच्चा 3.5 किलो की लड़की हुई है। वह बताया था गंदा पानी चला गया मुंह में, बच्ची को एडमिट किया, वैसे ठीक बताया। 25,000 रुपया ठीक कर्जा उठा के लेकर आया, अस्पताल में लेकर आया था, भाई गरीब आदमी की मदद हो जाएगी वही बहुत है। इसमें देखो मैंने ये फाइल देखी है, ये पेशेंट हमारे पास ना 7 तारीख को रात को 12:15 बजे आया है। उस टाइम इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी और प्राइमरी बच्चा था, फर्स्ट बेबी था और हमारी LMO ने इसको देखा भी है और इसको इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, ग्लूकोज भी चढ़ाई है। आया था पेशेंट हमारे पास, उस टाइम इसकी हार्ट रेट काफी बढ़िया थी, करीब 150-160 के करीब इसकी हार्ट रेट थी और सब कुछ नॉर्मल था, हमने पेशेंट रख लिया। एकदम तब लेडी डॉक्टर ने देखा कि इसकी हार्ट रेट डिप कर रही है तो फिर हमने इसको रेफर करना पड़ा तुरंत, क्योंकि अगर हम लेट करते तो बच्चे को नुकसान हो जाता। तो ना तो हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो अगर रोड साइड एक्सीडेंट या इस तरह के आते हैं तो हमें रेफर करने पड़ते हैं। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय त्री की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।